हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, चमत्कार कर लूँ वीडियो के पहले। और आपको एक मैं सूचना देना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है ये। कि इन्फॉर्मेशन ये थोड़ी मतलब दुखी वाली है कि आपको लगेगा कि क्या बोल रहा हूँ मैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन ये कि ये वीडियो में जो पार्ट है दूसरी बार बना रहा हूँ। आपको लगा होगा कि ये तो छोटी सी बात है, अरे यार मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। लेकिन एनीवे, आप देख रहे हैं 38 गेमर, और मेरा एक इंग्लिश चैनल भी है द ब्लेजिंग गेमर। तो आप अगर आपको अगर इंग्लिश पसंद है तो आप इंग्लिश वाला चैनल देख लीजिए ब्लेजिंग गेमर्स, और हिंदी पसंद है तो आप ये देख ही रहे हो। ठीक है, कैंपेनिंग में जाते हैं हम। अब मुझे याद नहीं है अपन ने पिछली बार क्या किया था। तो पिक्सलेटेड वर्ल्ड में जाते हैं, और मुझे इतना बुरा लग रहा है क्योंकि मैं इसकी रिकॉर्डिंग एक बार कर चुका हूँ पहले, इस गेम प्ले की जो आप देख रहे हैं ना, वो मैंने ये मैं एक्चुअली अपलोड कर देता कल तक। जो आप देख रहे हैं आज रिकॉर्डिंग, वो कल तक अपलोड हो जाना थी, लेकिन मोनिटाइज नहीं हो पाया और कॉपीराइट का स्ट्राइक हो गया, इसलिए मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा। तो अब वैसी कमेंट्री तो नहीं कर पाऊंगा, उस वाली कमेंट्री में बहुत ज़्यादा मज़ा आया था मुझे। तो हम ब्रिज पे थे शायद पिछली कमेंट्री में, मेरे थोड़ा दिमाग ख़राब था। और इस कमेंट्री में अब हम जाएंगे प्रिजन में, प्रिजन मतलब जेल, जेल जहाँ लोग रहते हैं। तो ब्रिज टूट गया था, तो पिछली बार हम लोग टू टूट गए थे, और ये गया था उसमें जेल में, और ये ब्लू 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 आ करके डूब गया था। और ये मुझे लग रहा था ब्लू 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 की आवाज़ आ रही है, डूब गया था। फिर ये तैरता हुआ गया, शायद हमने ये भी कर लिया था, लेकिन चलिए हम एक बार और कर लेते हैं इसको, क्या फ़र्क पड़ता है, जल्दी से जल्दी कर देंगे इसको ख़त्म, क्योंकि मेरे पास पीस मेकर है ना, पीस मेकर से तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। ओके, जल्दी आओ यार, टाइम नहीं है। वैसे ये गेम आपको पता है, एक ये मल्टीप्लेयर गेम, अगर आपको ये स्टोरी मोड पसंद नहीं है तो आप इसको मल्टीप्लेयर खेल सकते हैं। ये गेम बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। ये माइनक्राफ्ट का मोबाइल वर्जन लगा, माइनक्राफ्ट का मोबाइल वर्जन है प्ले स्टोर पे अवेलेबल, लेकिन वो बोरिंग क्या चीज़। ओहो, एक प्यारा सा टॉर्चर रूम लग रहा है। मैं इसको प्यारा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप मैन हंट खेलें, अगर आपने नहीं खेला ना मैन हंट, तो सिर्फ गूगल पे सर्च मार के देखो और फिर इमेजेस में देखना उसको, इतना खतरनाक गेम है मैन हंट, बाप रे। तो उसके आगे तो ये भला मैन हंट की तरह दिखाने की कोशिश किया, लेकिन प्यारा सा लग रहा है। और जेल में मुझे अच्छे से याद है हम हो गए थे, दूसरी बार कर रहा हूँ मैं जेल वाला, लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं दो इसके आगे फिर दो और बना लूँगा तो इसकी कमी ख़त्म हो जाएगी जेल वाले की। अब आप मैं क्या बोला, मैं ये बोल रहा हूँ पिछला वीडियो जो था ना, वो मैंने जेल मतलब मैं अपन कर चुके थे राउंड, लेकिन मुझे दोबारा करना पड़ रहा है जेल का राउंड, क्योंकि भूल गया था कि जेल का राउंड अपन, तो अब ये जेल वाला फिर से मुझको, क्योंकि अभी वीडियो स्टार्ट हो गया है तो मैं सोच रहा हूँ बना ही लूँ। अब दोबारा से मोबाइल से रीसेट करना पड़ेगा वो सब, इसलिए आज बहुत आज का दिन बहुत परेशानी भरा है मेरे लिए, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, नेट्रॉन, वो फ्री सॉफ्टवेयर है और विजुअल इफेक्ट ये मतलब स्पेशल इफेक्ट के काम करता है वो, लेकिन वो डाउनलोड जेल से निकल के हम क्या पता कहाँ जाएंगे। हालांकि दूसरे में अपन को खेलना है नहीं खेलना है अपनी मर्जी है, दूसरा भी वर्ल्ड खुल चुका है आराम से। और ये वीडियो थोड़ा कंफ्यूजिंग है मेरे लिए क्योंकि मैं जेल का पहले कर चुका हूँ, आपको भी मज़ा नहीं आ रहा होगा क्योंकि जेल का दूसरी बार देख रहे हैं आप वीडियो। वैसे अगर आपको ये वीडियो नहीं देखना जेल वाला तो आप स्किप कर सकते हैं, आगे का कर दीजिए, आगे एक नया राउंड का कर रहा हूँ। क्या हुआ,
मैं ऊपर आ गया यार। ये ऊपर कैसे आया मैं? कोई नीचे रह गया। इसको तो एक ही झटके। ये वाह यार, ये ग्लिच था या क्या था यार ये? और ट्राई करके देखता हूँ। कमाल का था यार जो भी था। एक मिनट, ये ऊपर चढ़ नहीं जा पा रहा यार, गलती से चला गया। वाह, ये अच्छा काम हो गया यार। ठीक है, 3 स्टार मिलेंगे मुझको, 1 2 3, क्योंकि आपको पता ही है मैं क्या बोलता हूँ, सब मॉन्स्टर को मारना बिना डैमेज के मारा वो सब। और आई एम लेट अगैन, ये भैया सब हमेशा लेट ही हो जाते हैं। आई एम लेट अगैन। भैया कभी तो टाइम पे पहुँचो। टॉप सीक्रेट एरिया 52, तो ये सही है। जाता तैरते हुए, तो अब हम जा रहे हैं एरिया 52 में। शायद ये राउंड अपन ने नहीं खेला था, तो अब आप मज़े लेने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि एरिया 52 में अब अपन मज़े करेंगे। वाह, एरिया 52। एरिया 52 के मज़े। पीस मेकर, वैसे इसको मिनी गन भी बोलते हैं। पीस मेकर इसका नाम मतलब मिनी गन ज़्यादा पसंद है, पीस मेकर ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मुझे इसका नाम, इस गन का नाम जो मैं अभी चला रहा हूँ ना, इस गन का नाम, इसका नाम पीस मेकर क्यों रखा, इसकी मैं ऐसा शोर मचा रहा हूँ। पीस ऐसे हो जाती है जब सब लोगों को मार देगी तो अपने आप शांति हो जाएगी, तो इसलिए पीस मेकर इस गन का। लेकिन मुझे मिनी गन ज़्यादा, गेम वाली कंपनियां करोड़ों कमा लेती हैं उसे गेम बनाते हैं। स्लेंडरमैन पता हो तो मैं बताऊं, स्लेंडरमैन ही आते हैं। ये सूट पहन के क्या है ये? ये काफी कंफ्यूज कर दी थी इसलिए। अंधेरे में ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा मुझको, क्या करूं। आप देखिए, इस गेम का एक और प्रॉब्लम है कि आज तो मैं खड़ा हो जाऊंगा ना तो अभी मुझे कुछ नहीं हुआ, मतलब इसमें थोड़ी रियलिटी तो होनी चाहिए थी। लेकिन आपको अगर ऐसे ग्राफिक्स पसंद है ना तो ये गेम आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। मुझे ऐसे ग्राफिक्स सीरियसली बताऊँ तो थोड़े बहुत पसंद है, मतलब उतनी पसंद नहीं है। तो ग्रुप में स्लेंडर मैन, मुझे उससे बहुत डर लगता है स्लेंडर मैन से, क्योंकि वो सीरियसली बहुत एकदम कम है। अरे यार, मुझे जुकाम हो रहा है तो मैं ना गा पा रहा ना कमेंट कर पा रहा, बहुत समस्या है भाई लोग, भाई लोग बहुत ज़्यादा समस्या, कॉमेडी भी नहीं मार पा रहा। सिर्फ 4 सब्सक्राइबर है मेरे, 38 गेमर पे। अगर आप ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत सारा नया नया अच्छा अच्छा स्टफ आने वाला है बहुत जल्दी, बहुत ही ज़्यादा जल्दी। मैं Q&A बनाऊंगा और बहुत कुछ, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। एक भी मॉन्स्टर नहीं मिल रहा यार, अभी तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है। देखिए कहाँ कहाँ घूम रहे हैं अपन,
जैसे आप बताइए, रियलिटी में तो ये हो नहीं सकता कि हीरो ये बेचारा रात को जगा और रात भर मॉन्स्टर आ गए कहीं से। पहली बात तो ये है कि मॉन्स्टर्स हैं या ज़ॉम्बी हैं ये पता नहीं है। चलिए इधर ही जाके देखता हूँ मैं इनको। चलिए इस गेम को अगर आप शुरू में डाउनलोड करेंगे ना, हाँ डाउनलोड से आ रहा है कि अगर आपका जो प्रोसेसर है वो इस गेम को सहन कर सकता है तभी आप ये गेम डाउनलोड करिए, नहीं तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ। क्योंकि मेरे एक दोस्त ने ये गेम डाउनलोड किया था, उसका प्रोसेसर था क्वाड कोर, लेकिन क्या हो गया उसके साथ ट्रेजिडी हो गई। उसके साथ ट्रेजिडी हो गई, उसने जब ये डाउनलोड किया मतलब ये गेम, सॉरी प्रोसेसर कहाँ से डाउनलोड करेगा, तो 2 3 मतलब दिन तो उसका अच्छे से चला, फिर उसका प्रोसेसर खराब हो गया और अब वो दुकान पे डला है, वो दुकान चक्कर काट रहा है। तो अगर आपको ये गेम मतलब लग रहा है कि हाँ चलिए सेंडरमैन, तो बिल्कुल ना करें, आपका प्रोसेसर सेल कर सकता है, तो आप बिल्कुल करिए। ठीक है, तो अब हम बड़े आगे, और अगर आपको पता ना हो तो मैं वाईफाई से कनेक्टेड हूँ और मेरा भी ये सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड हो रहा है, 14 13 मिनट्स बाद ही डाउनलोड हो जाएगा। और 1 स्टार क्यों मिला मुझे यार, ये गंदी बात है बहुत। तो आगे बढ़ते हैं, ये चौंक गया। ओहो, मैं भूलने की कोशिश करूंगा ये डरावनी रात, और ये नक्शा लेके और एरिया 52 में गया। फाइनली आखिरकार हम पहुंच गए। एनीबडी होम, कोई घर में है? अरे पगले, ये एरिया 52 है, कोई घर थोड़ी है गधे। और आ गए हम, ज्यादा स्टाइल मारने की कोशिश कर रहा है इसी, नहीं पता अपन कितने स्टाइलिश हैं। ये घुसे हम, अब यहाँ एलियन मिलेंगे क्या? इस गेम में कोई ईस्टर एग तो होगा ही शायद, ये गेम काफी आजकल चर्चा में है। मुझे ये गेम पोकेमोन से ज्यादा भी अच्छा लगता है मुझे, लेकिन पोकेमोन में क्या है यार, तो बाहर जाओ पकड़ते रहो, बैटल ज्यादातर होते नहीं हो। जब मैंने उसको पकड़ा था पिकाचू की पत्नी पहले ड्राइव में, तो ऐसे पकड़ा था कि चार्मेंडर और स्क्वेरल, और स्क्वेरल नहीं होता कोई है यार, और बल्बजॉर, ये 2 3 पोकेमोन देते हैं शुरू में पकड़ने को। अगर आप उनको छोड़ते जाओगे तो पिकाचू आपको आ जाएगा शुरू में एंड में, मतलब 2 3 बार ऐसा करिए तो वो एक तरह से क्या पता उसको कहीं ग्लिच या बग गेम में दोस्त बहुत सारे हैं। इनका तो ब्लड भी ब्लॉक का ही होता है। वैसे आपको एक बार बताऊं तो मुझे, अगर आप बॉलीवुड के फैन हैं तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन मैं आपका कोई ऐसा नहीं करना चाह रहा, लेकिन मुझे गंदा लगता है बॉलीवुड, बहुत बुरा लगता है मुझको। गेम्स और हॉलीवुड, WWE, ये सब पसंद है मुझको, बॉलीवुड महा बुरा लगता है, बहुत गंदा लगता है मुझे, लगता है इंडिया की बीमारी है एक तरह से। और मुझको बॉलीवुड के गाने भी नहीं पसंद, मुझको हॉलीवुड के गाने सब कोई हॉलीवुड के पसंद नहीं, गंदा लगता है यार बॉलीवुड मुझे। और बॉलीवुड और उसको पसंद है, आईफोन अपन को बड़े बड़े सेलिब्रिटी ने ले लिया तो अपन ने ले लिया।
सकते हो। अभी गेम पे ज्यादा ध्यान देते हैं, मैं आप उसकी अलग सी बनाऊंगा। एक मिनट, क्या है यार, सन है या लाइट, लाइट लग रही है तो स्टार्स है ना बड़े बड़े बॉलीवुड के, इनको पैसा दिया जाता है। पैसा दिया जाता है मतलब इनको कहा जाता है, जैसे कि पैंट फट गए, पैंट फट गए मतलब ऐसे डायरेक्टली नहीं कह रहा मैं, लेकिन जो पैंट सलमान खान को आपने देखा होगा कि पैंट जो रहते हैं ना उनके फटे हुए पैंट के आ गए तो फैशन बन गया था फटे पैंट पहनने का। तो दरअसल क्या रहता है, कंपनियों के अगर कोई पैंट वैंट खराब हो जाते हैं या फिर कुछ ऐसा हो जाता है ना, तो ये बड़े बड़े स्टार्स को तो पैसे दे देती हूँ, कहती हैं हमारा माल निकलवा दो। तो बस ये पैंट फटा हुआ हो ये सब कर लेते हैं, आईफोन ये सब, तो लोग आगे खरीदने लगते हैं। ये नहीं समझते कि उनको पैसे मिले हुए हैं और वो ऐसा माल खरीद लेते हैं। जी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा किसी दिन, अभी तो गेम पे फोकस करते हैं। टनल में जा रहे हैं हम लोग, इधर तो ग्रीन लाइट है। आज मैं एरो की तरफ बिल्कुल नहीं जाऊंगा, गुस्सा दिलाता है मुझे एरो। ये आ गया, किधर है बॉस? स्नाइपर लेना पड़ेगा। ये बॉस तो भी बेवकूफ़ ही कर देंगे, या फिर मेरे पास ज्यादा खतरनाक वो है हथियार, दोनों में से कुछ तो एक बात है। दो स्टार मिलेंगे यहाँ पे मुझे, और आगे की स्टोरी हम यहाँ से शुरू करेंगे। कर कर और डोंट शूट मी और आई नो द प्लेस विद द पोर्टल इज ऑलमोस्ट एस्केप फ्रॉम इट। Use this jeep, only you can stop this. Is this the end? So jeep nahi yaar, ye car hai. So thanks for watching my video guys. If you like my video, like my content, please subscribe. If you don't like my content, please ignore this. And yeah, if you have any feedback, write on the comment box below. Ya phir hindi mein bol raha hu main. Agar aapko mera video pasand aaya to like, comment, subscribe karein. कमेंट बॉक्स में लिखें अपने सुझाव और कोई भी चीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, और बस हम ये आगे से स्टार्ट करेंगे आगे का पार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, बाय। शेयर ज़रूर करना मेरे इस वीडियो को प्लीज़, क्योंकि हम सब इंडियन हैं और हिंदी बोलना हमारा अधिकार है, हमें अपनी मातृभूमि से प्यार है। ये तो कविता सी बनती जा रही है। और ज्वाइन द रेवोल्यूशन मेरी इस हिंदी बोलनी क्रांति में आप सम्मिलित हों। धन्यवाद।